नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भर्तृहरि का मूल नाम प्रार्थी है। राजा भर्तृहरि महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्राचीन समय में उज्जैन शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियों थी। एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे व्रतहरि यानी भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट उनके बड़े पुत्र प्रथम को प्राप्त हुआ। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि की दो पत्नियों थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तृहरि तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। आज की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि इसी रानी पिंगला ने कैसे राजा भर्तृहरि को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तृहरि की परीक्षाएं तो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक और हैरतअंगेज कहानी। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में भर्तृहरि नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान गुणवान और बड़े प्रतापी राजा भर्तृहरि राज करता था। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी दो रानियां थी। एक दिन जब राजा भर्तृहरि अपने एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भर्तृहरि जब उसे राज्य में से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें एक बगीचे में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ती है तो वो राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उसे स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तृहरि अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सुंदरी तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो। राजा की बात सुनकर वो स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा उसे स्त्री को कहता है कि सुंदरी मैं उज्जैनी का राजा भर्तृहरि हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तृहरि उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी। तब वो सुंदर स्त्री राजा भर्तृहरि से कहती है कि हे राजन मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उसे स्त्री की यह बात सुनकर राजा भर्तृहरि उसकी बात से सहमत हो गए। उसे स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। उसके बाद राजा भर्तृहरि उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तृहरि ओम से कहते हैं कि महाराज मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ। मैं वहाँ का राजा भर्तृहरि हूँ। मैं जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी यह सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने राज्य की रानी बनना चाहता हूँ। उसके बाद उसे स्त्री का पिता यानी वो राजा बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तृहरि को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वो राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तृहरि का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करके वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके जैसे सुंदर स्त्री उसके राज्य में और कोई नहीं थी।
राजा भर्तरी अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगे हैं। राजा अपनी इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वे उस पर अंधा विश्वास भी करते थे। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के मोह में पड़कर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरण को घायल कर देते हैं। हिरण के शरीर के उस घाव से खून बहने लगता है। उसे खून को देखकर राजा भर्तरी अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं पिंगला की एक परी परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी रानी पिंगला भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करें। अगर रानी पिंगला विश्वास ना करें तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए ये खून से सने कपड़े दिखा देना। राजा भर्तरी की बात सुनकर वो सैनिक उनसे कहता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर राजा उसे सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की। राजा भर्तरी की बात सुनकर वो सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वो राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ एक क्षण पहले मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। रानी साहिबा, उसके बाद वो शेर महाराज को मारकर खा गया। उसे सैनिक की यह बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर उसे सैनिक से कहती है कि मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए, तुम कैसे बच गए? रानी पिंगला की यह बात सुनकर वो सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा। वो रानी से कहता है, रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर उसे शेर ने आक्रमण किया था, उस समय मैं एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचाए थे। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूँ। ये बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाते हुए कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के करने का विश्वास हो गया और उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी अपने महल में वापस आते हैं, महल में आकर देखते हैं तो
उसे अपनी सबसे प्रिया रानी मरी हुई मिलती है। राजा अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी और वो मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर न दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गया। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। इस समय वहाँ पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहाँ जाकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वो कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा से पूछता है कि राजन तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उसे साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती थी है, और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उसे झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब उनकी मृत्यु का शक करने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार मेरा ये टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरु जी आप ही कुछ करें, आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात ना मानता देखकर गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही गोरखनाथ जी के मुख से इस बात को सुना कि वह साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं, इस समय वह राजा गोरखनाथ जी के पैरों में पड़ गया और उनसे कहने लगा कि है गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उसे शर्त के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूंगा। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोषणा भी करता है कि जो भी कारीगर गुरु जी के कमंडल के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए और किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। ये देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं तो वो राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है कि गुरु जी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम इसमें सफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार विनती करने पर गोरखनाथ जी उसे पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। गुरु पुरखराज जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगा। उसे दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वो राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजरने लगा।
राजा भर्तरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्तरी के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वो राजा को ये भी समझने लगा कि भैया आप मेरे बड़े भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी हैं। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मुंह में पड़ चुके हैं। आपको उसे स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम अपने असतल में जाता है। वहाँ पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उसे सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उससे कहता है कि इन घोड़े को ठीक तरह से भोजन भी खिलते हैं, फिर भी यह सभी घोड़े इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। मैं ये कई दिनों से देख रहा हूँ, परंतु दिन ब दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज मैं आपको सच ही बता देता हूँ, ये घोड़े दिन ब दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा है वो रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उसे घोड़े पर बैठकर ना जाने कहां जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भागते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से यह सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। ये बात सोच सोच कर वो बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उसे सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम्हें यहाँ पर मत रहना, आज रात्रि में तुम्हारी जगह घोड़े के पास मैं रहूँगा, घोड़े की रखवाली मैं करूँगा। आज मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उसे सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़े की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजाते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखा है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़े में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठी है और जैसे ही जाने लगती है विक्रम उसके घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है कि देवर जी आप मेरे रास्ते की बीच में क्यों आए हो। भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी रात को किस मिलने जा रही हो। विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है, घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वो विक्रम को कुछ नहीं बताती। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ जाता है ये कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही है, यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है और अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वो सुबह जल्दी उठती है तो वो रानी सोचने लगती है कि आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वो मुझ पर भी शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वो उन्हें सारी बातें बताई तो क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर न पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वो रानी अपने तिरया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्तरी के उठने से कुछ समय पहले रानी अपने बालों को खोल देती है, वो अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि रानी लेटकर जोर से रो रही है। राजा भर्तरी रानी से कहता है कि हे प्रिया आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है। तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहते हुए अपनी बात कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं?
तुम्हारे भर्ता तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी, इसलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। राजा भर्तरी जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे बुलाकर जोर से दांत लगता है, उसे इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा। राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी माँ सम्मान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस लौट कर बताना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम अपनी पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उसके राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उसे रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है, जिस पुरुष से मिलने वह पहले जाया करती थी। उससे मिलने पर वह उसे पुरुष से कहती है कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर जाकर तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारे रोजाना ही मुलाकात होगी। उसे पुरुष से ये कहकर वो रानी वापस महल में आ जाती है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वो प्रेमी महल में आता है। राजमहल में आकर राजा भर्तरी से निवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं आपके पास के राज्य के नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक वृद्ध माँ है, वो बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी मदद करते तो मेरा घर का गुजारा भी चल जाता, मैं अपनी वृद्ध माँ का ठीक से ख्याल रख पाता हूँ। वो रानी भी वहीं बैठी बाती उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद राजा भर्तरी उसकी स्थिति को देखकर उसे अपने महल में काम करने का आदेश दे देता है। रानी के उसे प्रेमी का नाम अश्वसेन था। अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से कुछ पल के लिए दूर होती है तो रानी अपने उस प्रेमी अश्वसेन से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ही पवित्र मन करता था। राजा भर्तरी को ये पता नहीं था कि जिसको वह इतना प्रेम करता है वह उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा भर्तरी फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। गुरु गोरखनाथ जी को देखकर राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, तुम्हारे इस आकर्षक बुक को देखकर बहुत ही परेशान हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा द्वारा उचित आदर्श सत्कार के कारण पश्चिमी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी को एक अमर फल दिया और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो,
ये खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा उसे फल को गुरुकुल राज्य से ले लेते हैं। ये चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। फल को लेकर राजा भर्तरी सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूँगा, मुझे जवान और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अत उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। मेरी पत्नी को हुई अमर होना चाहिए, यदि वह इस फल को खा लेगी तो वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद वह राजा गुरु कोरखाना द्वारा दिए गए फल महल में आकर अपनी पत्नी पिंगला को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी तुम इस फल को खाओ, ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। ये कहकर राजा भर्तरी उसे फल को रानी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसे राज्य के कोतवाल पर, यह बात राजा नहीं जानते थे। राजा से उसे फल को लेकर रानी सोचती है कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल अश्वसेन से करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल पर भी अष्टसेन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उसे फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे देती है। वह कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था। जैसे कोतवाल उसे चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोतवाल सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। वो सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वैश्य को देना चाहिए जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उसे फल को वैश्य को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी फल है, इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। ये कहकर कोतवाल अपनी प्रेमिका को वो फल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह वैश्य उसे चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूंगी, मुझे नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है, इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को देना चाहिए, क्योंकि वो इस राज्य के पालक हैं, सबका ध्यान रखते हैं, राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे, इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वही है। उसे वैश्य को ये बात नहीं पता थी कि ये फल एक संत महात्मा ने उसे राजा भर्तरी को ही दिया था और राजा भर्तरी ने उसे फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। उसके बाद उसे फल को रानी पगला ने अपने प्रेमी कोतवाल को दिया था और कोतवाल ने उसे फल को अपनी प्रेमिका उसे वैश्य को दिया था। उसे फल को देखकर वैश्य यही सोच रही थी कि इस फल को मुझे अपने राजा को दे देना चाहिए। वो वैश्या चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है कि हे राजन, मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, तो वैश्या कहने लगती है कि महाराज, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती, वो अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा सच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वो वैश्या राजा को उसे फल को देती है, राजा वो फल देखकर चकित रह जाता है। फल को देखकर राजा भर्तरी समझ जाता है कि ये तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और मैं अपनी रानी पिंगला को दिया था। उसके बाद राजा उसे वैश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या फल किसने दिया, तो वो वैश्या राजा से डरकर रहती है।
महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था जो आपके दरबार में काम करता है। उसके बाद राजा कोतवाल को दरबार में बुलाते हैं और उन्हें गुस्से से पूछते हैं कि ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। कोतवाल महाराज के गुस्से को देखकर डर जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। और कोतवाल से जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर बहुत विश्वास करता था। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, मैं तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस कोतवाल के पास कैसे आया। राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा जाती है, वो राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी पिंगला राजा भर्तरी से कह देती है कि महाराज, ये सत्य है कि मैं इस कुटवल से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो भी कहा था वो भी सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने के लिए जाती थी। ये सारी बातें सुनकर राजा भर्तरी बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है और विक्रम को बुलाकर अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई, इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा। राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी कोतवाल को और उसे वैश्य को कारागार में डाल देता है और पत्नी के धोखे से राजा भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। राजा भर्तरी ने उस गुफा में वर्षों तक तपस्या की। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उसे पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन के राजा भर्तरी के पास राजा और उसके परिवार और उनके अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए 365 पाक शास्त्री यानी रसोई थे। एक रसोई को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। अगर आप ये जानेंगे कि राजा की उसके गुरु गोरखनाथ ने किस प्रकार परीक्षा ली थी तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस दौरान राजा भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए थे तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, राजा होकर भी इसने काम क्रोध लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चय है। शिष्यों ने कहा, गुरु जी, यह तो राजाधिराज हैं, उनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे, ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा कैसे काम क्रोध लोभ रहित हो गए। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने थरी से कहा, भर्ती, जो भंडारे के लिए जंगल से लड़कियां लेकर आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर गए जंगल से लड़कियां एकत्रित करके सर पर बोझ उठाकर ला रहे थे गोरा नाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा कि जो उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चेले गए, उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तरी भी गिर गए। भर्तरी ने बोझ उठाया लेकिन ना चेहरे पर शिकन, ना आंखों में आज के गले, ना होंठ फड़के। गुरु जी ने चेलों से कहा, देखिए, ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरु जी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरु जी ने योग शक्ति से एक बहस रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तरी को महल दिखा रहे थे। सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देखकर कमी भी नहीं हुए और उनके नखरे पर क्रोधित भी नहीं हुए।
चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों विश्वास हो ही गया है कि भर्तरी ने काम क्रोध लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को बुलाया और कहा कि पृथ्वी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो तुमको एक महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। बर्थडे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लंगते लंगते राजस्थान की और पहुँचे कड़कती बालू कड़ाके की धूप। भूमि में पर रखो तो बस चल जाए। एक दिन दो दिन यात्रा करते करते शायद बीत गए। सातवें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो ये भर्थरी जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया गया। चलते चलते भर्तरी वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि है, वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की आज्ञा थी। मरुभूमि में यात्रा करने की कूद कर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है जिसने कभी पर गली से नीचे नहीं रखा। वो मारू में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल ही दिल में राजा की दृढ़ता पर बहुत खुश हुए। लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरु जी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तरी से मिले और बोल, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तरी बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा कि अच्छा कितना चलाते हो, देखते हैं। थोड़ा आगे गए। गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कटीली झाड़ी की उनका फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया। पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी ने एतक नहीं की। भर्तरी तो और अंतर्मुख हो गए। ये सब सपना है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है। ये भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल तप पैदा किया। प्यास के मारे भर्ती के प्राण कांत तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भारी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तरी ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आजा भांग तो नहीं हो रही है। उनका इतना सोचा ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ जी आते दिखाई ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी बोले, शाबाश भर्तरी, मांग लो, अष्ट सिद्धि या नवसिद्धि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियां तुम्हारे चरण पुकारने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग। लोठारियो बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। और हाँ जी बोले, नहीं भर्तरी अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की यह बात सुनकर भर्ती सच में पड़ गए कि मैं अब क्या करूं। इतने में उनकी नजर रेत में पड़ी एक चम्मच माटी हुई सी पर पड़ी। उसे उठाकर भर्तरी बोले, गुरु जी कांता फट गया है, सी में ये धागा प्रो दीजिए ताकि मैं अपना कांता यानी वस्त्र सी लोन। गुरु गोरखनाथ जी और खुश हुए की हद हो गई। कितना निरपेक्ष है, अष्ट सिद्धि नव निधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु जी का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। भर्तरी तुम धन्य हो गए। कहां उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में एक महीना भी नहीं होने दिया। 7-8 दिन में ही परीक्षा में पास हो गए।
आज भी उज्जैन में भर्थरी की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ पर थरी ने तपस्या की थी। क्या गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है? गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। ये गोपी चंद की गुफा है जो कि भर्तरी का भतीजा था। यहाँ पर कैश भी काफी कम है। गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उसे प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है और से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धामों को रास्ता जाता है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धनी भी है जिसकी रख हमेशा गर्म ही रहती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।